अल्लाह गाइज़ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर गाइज आज की वीडियो में हम प्लेट लोड टेस्ट ऑफ साइल के बारे में बात करेंगे इसका एस टी एम कोड है हमारा डी डबल वन नाइन फोर इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हम दिस टेस्ट मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अंडर फील्ड कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक लोडिंग प्लेट एंड डेप्थ ऑफ एम्बेटमेंट तो ये टेस्ट मेथड जो है बेसिकली जो हमें सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी मालूम करनी होती है वर्म फील्ड में जो है सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट की मदद से मालूम कर लेते हैं जिसमें एक स्पेसिफाइड प्लेट यूज़ होती है और एक स्पेसिफाइड डेप्थ वगैरह जो है वो इसमें यूज़ होती है दिस टेस्ट बेरिंग कैपेसिटी कैन बी यूज़ इन सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन ये जो टेस्ट की बेरिंग कैपेसिटी हमारी जो हम मालूम करते हैं ये हम हमारी या तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होती है या फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम फिर ये टेस्ट करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले हम इसके ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं इसके ये ऑपरेटर्स होता है जिसमें एक बीम होता है टू पॉइंट फाइव मीटर का इसमें हम गेज फिक्स करते हैं और उसके बाद पार हमारे पास ये जैक होता है जिसका जिसकी कैपेसिटी है मिनिमम कैपेसिटी जो है फ़ोर फोर्टी किलोमीटर होनी चाहिए और बेयरिंग प्लेट्स होनी चाहिए जिसकी थिकनेस ट्वेंटी फाइव एम एम और डायर थ्री जीरो फाइव टू सेवन सिक्सटी टू एम एम तक होना चाहिए और ये जैक असम्बली उसके बाद हमारे पास लोडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए या तो कोई बीम वग़ैरह जिस पर हम ये टेस्ट कर सकें या कोई मशीनरी वगैरह हो और डायल गेजेस होनी चाहिए तो अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में मालूम कर लेते हैं द लोड टेस्ट एट द एलिवेशन ऑफ द परपज़ फुटिंग परपोज फुटिंग एंड अंडर द सेम कंडीशन ये टेस्ट आप परपोज फुटिंग मतलब जहाँ पे आपको फुटिंग बनानी है उस जगह पे या अंडर द सेम कंडीशन पे भी कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट लोकेशन नॉट लेस देन फाइव टाइम्स ऑफ फाइव टाइम्स द डायमीटर ऑफ लारजेस्ट प्लेट जो अगर आप फुटिंग के लिए कर रहे हैं तो आपके जो आ, इसकी स्पेस है डिस्टेंस दिस, जो है वो प्लेट से फ़ाइव टाइम ज़्यादा होना चाहिए अगर आपकी प्लेट हाफ मीटर की है तो दो मीटर इस साइड से दो मीटर इस साइड से डिस्टेंस होना चाहिए द डेप नॉट लेस देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट प्लेट और डेप जो है वो ट्वाइस होनी चाहिए कम से कम टॉइस से कम नहीं होनी चाहिए मतलब हाफ मीटर की प्लेट है तो आपकी एक मीटर की डेप्थ होनी चाहिए उसके लिए प्लेस द लोडिंग प्लेटफार्म फिर आप उसके ऊपर इस तरीके से लोडिंग प्लेटफार्म रख 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 देंगे प्लेस द बेयरिंग प्लेट्स इन एट द एलिशन ऑफ फूटिंग फिर आप इसके ऊपर तीन प्लेट्स यूज होती हैं हमारी तीनों प्लेट्स इस तरीके से आप उस uh, टेस्ट की जगह पर रख देंगे उसके बाद जो है आप प्लेस द जैक ऑन बेरिंग प्लेट्स एंड अप्लाई दिटिल लो टू सेटल ऑफ प्लेट्स फिर आपने इस तरीके से जैक जो है इन प्लेट्स के ऊपर रख देना है और इस पर हल्का सा लोड देना है ताकि आपकी जो है प्लेट जो है सेटल हो जाए ताकि जब आप गेज फिक्स करें तो उसमें कोई सेटलमेंट ना हो पहले सेटल हो जाए थोड़ी आपकी प्लेट सपोर्ट द बीम ऑफ सपोर्टिंग डायल गेजेस और अदर सेटलमेंट डिवाइस फिर आपने एक बीम लगाना है जो इस पर आप गेज फिक्स आपकी गेज फिक्स हो जाए और बीम हो या कोई भी ऐसी डिवाइस हो जो भी आप लगा सकते हैं इस पर टच द डायल गेज ऑन द बेरिंग प्लेट्स एंड ब्रिंग द पॉइंटर टू ज़ीरो फिर आपकी जो गेजेज हैं इनको आप प्लेट पे टच करेंगे और इनको जो है इसकी रीडिंग ज़ीरो कर देंगे तीनों की उसके बाद जो है लोड अप्लाई करेंगे फिर हम लोड इंक्रीमेंट नॉट मोर देन नाइन्टी फाइव के पी ए और नॉट मोर देन वन टेंथ ऑफ द एस्टिमेटेड लोड जो भी आपका एस्टिमेटेड लोड है उससे वन टेंथ होनी चाहिए हो, होना चाहिए आपका आ, एक इंक्रीमेंट में लोड इंक्रीमेंट में या नाइन्टी फाइव किलोनीटन एक इंक्रीमेंट में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ईच लोड इंक्रीमेंट मेंटेन द लोड नॉट लेस देन 15 मिनट जब आप इस पर एक लोड डाल देंगे ईच इंक्रीमेंट आपकी होगी सपोज आपको सौ किलोनीटर तक जाना है और आपने 20 तक लोड डाला उसके बाद आपने 15 मिनट वेट करना है उसके बाद इसकी रीडिंग नोट करनी है कीप आ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑल सेटलमेंट आपने जो है इसी तरीके से लोड डाल डाल के पंद्रह मिनट वेट करके जो है इनकी जितना आपका लोड आ, आपका मैक्सिमम लोड है वहाँ तक आपकी इसकी रीडिंग नोट करनी है वो मैं आपको ला लास्ट में जो टेस्ट रिपोर्ट होगी उसमें बताऊँगा तो आपको सही क्लियर हो जाएगा रिलीज दिस अप्लाइड लोड कंटिन्यू रिकॉर्डिंग रिपोर्ट इसी तरीके से आपने रिलीज़ करना है इसको जिस इस तरीके से आपने लोड डाल डाल के पंद्रह मिनट वेट करके रीडिंग ली है इसी तरीके से रिलीज़ करना है और फिर पंद्रह मिनट रोक देना है फिर रीडिंग लेनी है फिर मज़ीद रिलीज़ करना है फिर रोकना है पंद्रह मिनट के बाद फिर रीडिंग लेनी है इस तरीके से इसकी रीडिंग्स आप लेते रहेंगे अब मैं इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में टेस्ट रिज़ल्ट के बारे में बता दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए ये देखिए हमने इस तरीके से अप्लाइड लोड डाला है ट्वेंटी फोर्टी किलोनीटन सिक्सटी न्यूटन एटी हंड्रेड तक हमारा मैक्सिमम है ट्वेंटी पे हम ट्वेंटी तक हमने डाला पंद्रह मिनट वेट किया उसके बाद तीनों गेजेस की रीडिंग नोट करी एवरेज ले लिया एम एम में फिर फोर्टी तक लोड डाला फिर पंद्रह मिनट वेट किया लोड जब आप डाल देंगे उसके बाद पंद्रह मिनट वेट करेंगे पंद्रह मिनट के बाद आपने फिर तीन तीनों रीडिंग नोट करनी है उसका एवरेज निकाल ये हमारी मैक्सिमम है हंड्रेड न्यूटन तक हमने जाना था अब मुख्तलिफ़ साइडों पर मुख्तलिफ होगी टू हंड्रेड तक भी होगी लेकिन हमारे पास ये हंड्रेड तक है पंद्रह मिनट वेट किया फिर इसकी तीनों रीडिंग ली और ये एम में एवरेज ले लिया फिर इसी तरीके से अनलोडिंग में अनलोडिंग में हम एटी पे गए पंद्रह मिनट वेट किया तीनों रीडिंग ली फिर एवरेज ले लिया फिर फोर्टी पे गए इस तरीके से करते हैं अब हमें निकालना है कि इसका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो इसके लिए हमें क्या चाहिए जो हमारी प्लेट लगी हुई थी सबसे नीचे लार्जेस्ट प्लेट जो थी उसका एरिया उसका एरिया टू एट टू एट सेंटीमीटर स्क्वायर है हमें चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी ये हमारी लोड है ट्वेंटी डिवाइडेड बाय पॉइंट टू एट टू एट यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो हमारा एरिया हो जाएगा पॉइंट टू एट टू एट तो इस तरीके से हमारी रीडिंग आ जाएगी किलो न्यूटन पर र, र, मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा सेवेंटी पॉइंट सेवन इस तरीके से हम सबकी जो है कैलकुलेशन कर लेंगे जो हमारे लार्जेस्ट प्रेशर है लोड है उस पर हमारा आ रहा है थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स तो ये हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन में करेंगे हमारा मैक्सिमम लोड है हंड्रेड और इसका मैक्सिमम प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स प्लेट सेटलमेंट एट मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर तक हमारी प्लेट कितनी पेनीट्रेट हो रही है सेटल हो रही है नाइन थ्री पॉइंट वन नाइन ये हमारा इधर लिखा हुआ है थ्री पॉइंट वन नाइन सेटलमेंट अपॉन रेजिजुअल सेटलमेंट हमारी कितनी हो रही है वो हमारी हो रही है पॉइंट एट नाइन क्योंकि जब हमने लोड डाला तो हमारी मैक्सिमम लोड डाला थ्री पॉइंट वन नाइन सेटलमेंट हुई और जब हमने बिल्कुल रिलीज़ कर दिया उसको तो पॉइंट एट नाइन एम एम फिर भी उसकी सेटलमेंट थी सो so गाइस बड़ी डिफ़िकल्ट वीडियो है बट आई होप आपको समझ में आई होगी फिर भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें इस वीडियो के हवाले से किसी भी वीडियो के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग